हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। मैंने आज तुरई की एकदम से फ्राई सब्जी बनाई है, बहुत ही टेस्टी, कुछ अलग तरीके से बनाए हैं। ना इसमें प्याज टमाटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है, जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाते हैं, इसे इतनी टेस्टी लगती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तुरई ली है, उसका ऊपर का छिलका इसे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें बड़े टुकड़ों में कट करके लेना है। इसी तरह से मैंने थोड़े मोटे टुकड़ों में ही कट करके लिया है। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे जीरा और राई डालनी है। जीरा राई चटकने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे लहसुन की पेस्ट, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ली है मैंने। इसे भी तेल में हल्के से फ्राई करके लेना है। अब अच्छे से फ्राई होने के बाद जो हमने तुरई काट के मैंने इसे धो के लिया है उसे डालना है और तेल में 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से जब हम बनाते हैं सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। बनाने में सिंपल और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसके 3-4 मिनट के लिए हमें मीडियम आंच में इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है। अब 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फिर से एक बार मिक्स करके लेना है। आप देख सकते हैं तुरई सी हल्के से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं, जो भी बेसिक मसाले हैं वही डालने हैं, कुछ तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं। 1/2 चम्मच इतनी हल्दी पाउडर डालनी है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है, 1/2 चम्मच इतना गरम मसाला लेना है, 1/2 स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है। बस इतने मसाले डालेंगे हम, कुछ भी ज़्यादा नहीं ऐड करना है इसमें। अब मसालों को भी अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकाना है। आप इसे लंच बॉक्स के लिए, टिफ़िन के लिए, सुबह शाम के खाने के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें फली का पाउडर डालूँगी, जो रोस्टेड फली होती है इसका 4 चम्मच लिया है मैंने पाउडर, उसे भी ऐड करना है। और अच्छे से मिक्स करके हमें बस थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाले जले नहीं और हल्के से पक जाए। बिल्कुल कम पानी डालना है इसमें, आप देख सकते हैं। एकदम मैंने 2-3 चम्मच ही पानी ऐड किया है इसमें। अच्छे से मिक्स करके हमें इसे फिर से ढक्कन लगा के मीडियम आंच में 2-3 मिनट के लिए पकाना है ताकि तुरई अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप देख सकते हैं 2-3 मिनट के बाद सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब गैस बंद कर देना है हमें। एकदम से टेस्टी टेस्टी तुरई की सब्जी बनकर तैयार है। अब इसकी गर्मा गर्म हम प्लेटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक्स बहुत ही डिलीशियस बनी है। जो भी नहीं खाता वो भी खाना शुरू कर देगा जब हम इस तरह से बनाएंगे तुरई की सब्जी, तो बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले रेसिपी में।